जय हिंद फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एंड मेनी मोर थिंग। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज दिस मिरर, कि ये मिरर क्या होता है। तो मिरर इज द हाईली पॉलिश्ड शाइनी सरफेस, हाईली पॉलिश्ड शाइनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड एज मिरर। तो एक ऐसा सरफेस जो बहुत ही अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, और सबको ये बात तो पता ही होगा कि मिरर कैसे बनाया जाता है, मिरर में कौन सा मेटल यूज़ होता है मिरर बनाने में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मिरर क्या होता है सब लोग जान गए हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए, यहाँ टाइप्स ऑफ मिरर आप लोग देख सकते हैं कि मिरर दो तरह के हैं, एक तो है प्लेन मिरर और दूसरा है कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर। तो देखो, द मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। So the mirror whose reflecting surface is plane is called as plane mirror, and the mirror whose reflecting surface is curved is called as curved mirror. Plane mirror is like this, and curved mirror is like this. This is the curved mirror. Okay? So this curved mirror may be spherical, cylindrical. मतलब इसमें कई सारे shape हो सकते हैं, parabolic, spherical, cylindrical वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी type का होगा वो दो categories में divide होंगे। One is convex mirror and second one is concave mirror. Convex mirror and that is concave mirror. So convex mirror, what is this convex mirror? So the mirror whose reflecting surface, this RS means reflecting surface, bend out. So convex mirror वो mirror है जिसका reflecting surface bend out है, bulging है, उभरा हुआ है, like this. तो ये उभरा हुआ surface जो है ना, ये अगर reflecting होगा तब क्या रहेगा, ये convex mirror रहेगा। और अगर ये धसा हुआ surface, bend in surface, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड इन रहेगा तब ये कॉनकेव मिरर होगा। और आपको बता दें, ये कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइट को फैलाने का काम करता है और ये लाइट को मिलाता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो इतनी बात सबको अंडरस्टूड है। आइए देखते हैं फिर आगे। यहाँ देखिए, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है। अब यहाँ प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, इस बात को देखेंगे। देखिए, प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है, और प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, उस करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ जानेंगे। देखिए, टू द पॉइंट हमने यहाँ लिख रखा है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, एंड दैट इज देयर आर सिक्स करेक्टरिस्टिक्स। और उन सिक्स करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ईच वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आइए इमेज फॉर्मेशन करके देखें। देखिए, अगर ये मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो भी लाइट चलेगी इसके हेड से, अगर इसके हेड से बहुत सारी लाइट रेस चल रही हैं, निकल रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो लाइट रेस से मतलब है, और उन दोनों लाइट रेस को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से हम लोग उसको रिफ्लेक्शन कराएंगे और उसको बैक ट्रेस करेंगे। देखिए, एक लाइट रेस जो ऐसे नॉर्मली यहाँ इंसिडेंट होती है, तो जैसे ये गई है वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, क्योंकि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि अगर जीरो डिग्री नॉर्मल से जीरो डिग्री बनाती हुई, अगर नॉर्मल से जीरो डिग्री का मतलब जैसे नॉर्मल आ रहा है वैसे लाइट रे आ रही है, तो वैसे जाएगी, तो नॉर्मली जाएगी, तो नॉर्मली वापस भी जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है, रिफ्लेक्शन भी जीरो है। सेकंड मान लीजिए कि कोई दूसरी लाइट रे जो यहाँ इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ नॉर्मल बना लें, उसी नॉर्मल से उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल, और उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट होंगे। तो अभी ये एक लाइट तो इधर जा रही है, एक लाइट इधर जा रही है, और ये दोनों लाइट कभी मिलेंगी नहीं, ये डाइवर्जिंग लाइट्स हैं। तो अगर इनको बैक ट्रेस करें तो देखिए, ये तो इस तरफ बढ़ रहा है और ये इस तरफ बढ़ के यहाँ मिल रहा है, और यहाँ कहीं इनका जो है क्या बन जा रहा है, इमेज, यहाँ कहीं इनका वर्चुअल इमेज बन जा रहा है। तो ये इसका इमेज बन गया इधर पीछे, तो बैक साइड ऑफ द मिरर वर्चुअल इमेज बनती है, सब जान रहे हैं। और यहाँ प्लेन मिरर में इस तरह से यहाँ बैक साइड ऑफ द इमेज, बैक साइड में इमेज बन रही है। ठीक है, अब इमेज को देखने से ये भी लग रहा है कि ये इमेज क्या है, रियल है, वो सॉरी वर्चुअल है, इरेक्टेड है, और सेम साइज की है, और मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर है जितना कि ऑब्जेक्ट है। मतलब मिरर से इट इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना कि ऑब्जेक्ट। अब वही करेक्टरिस्टिक्स भी यहीं से निकल कर आते हैं। देखिए, कितने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ सिक्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, वेरी गुड, वर्चुअल, ठीक है। सेकंड क्या है, इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब सीधा, तो इरेक्टेड है, तो इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, इरेक्टेड है, सीधा है, एकदम सही है। फिर क्या कह रहे हैं, सेम साइज की है, हाँ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ी इमेज भी है, तो ये सेम साइज की है। फिर क्या, एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट, तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज भी बन रही है, हाँ ये भी एकदम सेम है, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अपोजिट साइड ऑफ द मिरर,
अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, मतलब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इस साइड है तो इमेज कहाँ पर है, दूसरी साइड है, तो मिरर के अपोजिट साइड में बनी है इमेज, कहाँ बनी है मिरर के अपोजिट साइड में। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। वट इज दिस लेटरली इन्वर्टेड? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर के, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर के अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे या राइट हैंड उठाएंगे तो देखेंगे कि आपका इमेज जो है ना वो इस तरह से देखेंगे वो लेफ्ट हैंड उठा रखा होगा, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो क्या होती है, राइट टू लेफ्ट शिफ्टेड होती है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है, इसे ये क्या कहलाता है, लेटरली इन्वर्टेड। तो ठीक है, ये इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसीलिए आप लोगों ने एम्बुलेंस में देखा होगा, एम्बुलेंस आप लोग देखेंगे तो एम्बुलेंस में भी लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। और इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, कि मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। या आप एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे सेल्फी कैमरा होता है आपका, सेल्फी कैमरा मोबाइल, कभी भी आप भाई मॉडर्नाइजेशन का टाइम है, सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल के सेल्फी कैमरा से आप किसी भी लिखी हुई चीज़ की फ़ोटो खींचिए और आप देखेंगे कि वो चीज़ आपको पढ़ने में कम मतलब आएगी और देखेंगे कि वो कुछ अजीब सा दिखेगा, तो वो अजीब सी चीज़ कुछ और नहीं लिटरली इन्वर्टेड है। और उसी को आप कैमरे से एडिट करके आप उसको फ्लिप कर दिया जाए अगर, तो वो फिर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे ही एकदम सीधे का सीधा दिखाई देगा। इसीलिए एम्बुलेंस में लिटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, लेकिन जब पीछे से कोई रियर व्यू मिरर में, साइड मिरर में कोई देखता है तो उसे पूरा एकदम सीधा सीधा दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे डबल लिटरल इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि पहले से लिटरली इन्वर्टेड लिखा था और मिरर ने फिर एक बार कर दिया तो सीधा हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको बिल्कुल ठीक लग रही होगी और अच्छी लग रही होगी, आप लोग लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। तो लिटरल इन्वर्जन क्या होता है आप लोग देख लिए, और इसका एग्जांपल आप लोग सेल्फी कैमरा से भी किसी भी चीज़ की फोटो और बैकग्राउंड की फोटो आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कर्व्ड मिरर। देखिए जो कर्व्ड मिरर है ये कन्वेक्स एंड कॉन्केव, तो ये कन्वेक्स मिरर रहा, ये कॉन्केव मिरर रहा, तो यहाँ इनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले आता है पोल। सबसे पहले क्या रहा है, पोल। देखिए यहाँ हमने सीरियल वाइज 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख करते हैं, लेकिन उनमें कुछ आगे पीछे भी हो गया है, तो जैसा हम सुटेबल लगेगा उस तरह से इनको बता देंगे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखिए पोल, व्हाट इज दिस पोल, पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर का एकदम बीचों बीच ज्योमेट्री के हिसाब से जो सेंटर है, मतलब दैट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर या ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। तो ये हो गया मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, और इसे पोल कहते हैं, एकदम बीचों बीच होता है, ठीक है। सेकंड चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अपर्चर, तो बताओ पोल सब लोग जानेंगे कि नहीं, व्हाट इज पोल, पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर आर मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ओके। व्हाट इज अपर्चर, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ मिरर, मतलब मिरर का कितना पार्ट रिफ्लेक्शन के काबिल है, यहाँ ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो ये लेंथ है डिस्क, इस कर्वेचर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर, ऐसे यहाँ ए से लेकर के यहाँ बी तक जो भी पार्ट है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है, अपर्चर, उम्मीद है कि ये भी क्लियर होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो देखिए पहले हमने पोल पढ़ा फिर अपर्चर पढ़ा। अपर्चर क्या है, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ मिरर, कि मिरर का कितना पार्ट रिफ्लेक्टिंग के लिए है, ठीक है। तीसरी बात पर आते हैं जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए मिरर एक स्फेरिकल का, ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज द मिरर इज सपोज टू बी पार्ट। अगर इस एक इमेजिनरी स्फीयर बनाए जिसका ये मिरर सपोज किया जाए कि ये इसका पार्ट था, मतलब अगर इसी को इस कर्वेचर को लेकर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया जाए तो जो सेंटर, जो पॉइंट मिलेगा दैट इज सेंटर ऑफ मिरर, दैट इज द सेंटर ऑफ मिरर। तो उम्मीद है सबको क्लियर होगा। इसी तरह से यहाँ इसके लिए भी ये सेंटर ऑफ मिरर हम ढूंढ सकते हैं कि ये स्फीयर हो गया और स्फीयर का ये सेंटर ऑफ मिरर हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मिरर ऐसे ही फिर आगे आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मिरर दोनों मिरर के लिए। अब कह रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ मिरर और पोल को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, और उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा हम लोगों ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमने क्या देखा कि द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर हुज द मिरर इज सपोज टू बी पार्ट, या मिरर के कर्वेचर को लेकर के जो हम स्फीयर खींचेंगे जिसका जो सेंटर आएगा, उसी का जो सेंटर आएगा उसी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऐसे ही देखिए फिर प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी लाइन, जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल,
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को ही क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी क्लियर है सबको। देखिए, अभी पहले हमने पढ़ा पोल, दैट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस को क्या कहा था हम लोगों ने? अपर्चर कहा था, तो दूसरा पॉइंट था हम लोग का। तीसरा पॉइंट था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चौथा पॉइंट फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज पोल, वो इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर लेटर से शो किया जाता है, आर लेटर से इसको हम लोग शो करेंगे। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए सी है, सब लोग जान रहे हैं। पोल के लिए पी है, ये भी हम लोग जान रहे हैं। अपर्चर को हमने ए बी से दिखा रखा है, ये भी ठीक है। ठीक, तो उम्मीद है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सारे पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा गया है बोर्ड्स में, यही है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस इज द, देखिए फोकस एक पॉइंट है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन उसकी डेफिनेशन पहले बताते हैं। देखिए, द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पर मिलती हुई दिखाई देती हैं या फोकस पर मिलती हैं, तो उन्हीं उन्हीं लाइट्स को क्या, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर फोकस पर ये मिलती हैं, इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस। द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मीट एट अ पॉइंट ऑन फोकस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पैरेलल लाइट है, ये पैरेलल लाइट है, लेकिन ये वाला मिरर क्या है? ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये मिलाने काम करता नहीं। तो ये लाइट को इधर डाइवर्ज कर देगा, इधर कर देगा डाइवर्ज, इधर कर देगा डाइवर्ज, लेकिन इनको बैक ट्रेस करेंगे, ये एक पॉइंट पर मिलते दिखाई देंगे और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया जाएगा? फोकस। सिमिलरली यहाँ देखेंगे कि यहाँ से पैरेलल लाइट ये आ रही है, एक पैरेलल लाइट ये हो गई, एक ये हो गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस के किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे और इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? फोकस। इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा फोकस। ठीक है, तो फोकस क्या है सब लोग क्लियरली जान सकते हैं कि लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर या तो रियल में मिलते हुए दिखाई देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर मिलती हुई मिली मिलेगी वही पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। या कभी अपीयर टू मीट रहेगा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यहां पर रियल फोकस मिलता है मतलब प्रिंसिपल फोकस मिलता है और यहां पर अपेरेंट फोकस देखने को मिलता है। ऐसे ही फिर फोकल लेंथ की बात करें तो व्हाट इज दिस फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। इसे ए से दिखाते हैं, दिस इज फोकस, एंड ए स्मॉल एफ से दिखाते हैं फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी इजी। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे फोकल लेंथ होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा। आइए एक और टॉपिक यहाँ पे बच रहा है उसको भी कवर कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई फोकल लेंथ के लिए एफ यूज करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आर यूज करते हैं, तो आर और एफ में क्या रिलेशन है उसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए, एफ इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाई टू, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दें तो वो फोकस के बराबर होता है, या आर इज इक्वल टू क्या होता है? टू इंटू एफ। तो ये फॉर्मूला है, इनसे कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट न्यूमेरिकल एक दो नंबर में पूछ लेता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, फोकल लेंथ कितना होगी तो बताइए। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि भाई अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है उसका हाफ कर दें फोकल लेंथ मिल जाएगा, और अगर फोकस दिया रेडियस पूछ रहा है तो उसका डबल कर दें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि टेंथ में जो भी बच्चे हैं या और भी क्लासेज में हैं तो उनको उन तक वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।